नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी उनके जन्मदिन के अवसर पर शुरू हो गई। इस मौके पर उनको मिले प्रतीक चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की यह ई नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के उपहारों की नीलामी वेबसाइट के जरिए हो रही उपहारों की ई नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी ये ई नीलामी। इस बार खास है खिलाड़ियों के उपहार। नीलामी की राशि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए होगी इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी उनके जन्मदिन के अवसर पर शुरू हो गई है। इस मौके पर उनको मिले प्रतीक चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी वेबसाइट के जरिए की जा रही है। पीएम मोदी को मिले 1200 से ज्यादा प्रतिष्ठित और स्मरणीय स्मृति चिन्हों की ये ई नीलामी 2 अक्टूबर तक चलेगी। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय पीएम मोदी के उपहारों की चौथी ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। इस बार इस नीलामी का खास आकर्षण खिलाड़ियों के पीएम मोदी को दिए गए तोहफे हैं। नीलामी का हिस्सा बने ये तोहफे सबसे अधिक कीमत के हैं। इनमें कई तोहफे की शुरुआती कीमत 5 लाख से शुरू है। खेल से जुड़े गिफ्ट्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खिलाड़ियों ने पीएम को भेंट किए हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के विजेताओं से पीएम को मिले हैं। इस नीलामी में खेल से जुड़े 25 आइटम हैं। साल 2022 में नीलामी के लिए गए इन उपहारों में 1222 मोमेंटो हैं। नीलामी के लिए राम मंदिर के टेंपल का डिजाइन और विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी यहां रखा गया है। ये सब नीलामी वाली वेबसाइट पर मौजूद है। कोई भी इनके लिए बोली लगा सकता है। गौरतलब है कि पिछली बार करीब 16 करोड़ रुपए पीएम के उपहारों की नीलामी से मिले थे। इस राशि को भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। इस बार भी नीलामी का पैसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। इस ई नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनसीसी पूर्व छात्र कार्ड, अयोध्या में आगामी राम मंदिर के कई मॉडल और चेन्नई में हाल ही में आयोजित शतरंज ओलंपियाड के शुभंकर की एक मूर्ति व अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए स्मृति चिन्ह की ऑनलाइन नीलामी में अत्यधिक मांग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मॉडल प्रतिमा और राष्ट्रमंडल खेलों के खेल यादगार सहित 1200 से अधिक वस्तुओं की ऑनलाइन नीलामी शुरू हो चुकी है। ये नीलामी वेब पोर्टल pmmementos.gov.in के माध्यम से आयोजित की जा रही है और इसमें एक खंड है जो सबसे अधिक भाग लेने वाली नीलामी शीर्ष के तहत वस्तुओं को सूचीबद्ध करता है। बता दें कि पीएम अपनी गिफ्ट को लोगों को पहुंचाते रहते हैं। पीएम के उपहारों की साल 2019 में 2 बार नीलामी की गई थी। साल 2020 में भी उनके उपहारों की 2 बार नीलामी की गई थी। ये सब पैसा इकट्ठा कर पहले स्वच्छता मिशन दिया गया। इसके बाद नीलामी का पैसा नमामि गंगा को दिया गया। इस बार भी नीलामी का पैसा नमामि गंगे प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम।